जल्दी से भगवंत मान जी को दिखाइए। भगवंत मान जी, बहुत सारी बातें कृष्णवीर चौधरी ने कही। उन्होंने कहा एक ऐसा मौका आया है जब बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बाहर निकलने का, बाजार से उन्हें सीधे जुड़ने का एक मौका मिल रहा है, आप लोग उसको सीधा रोक रहे हैं। जवाब दीजिए मान साहब। देखिए अन्ना जी, इन्होंने जो बात कही है चौधरी साहब ने कि पंजाब सरकार जो है या हरियाणा सरकार जो मंडी का टैक्स बंद कर दे, पहली बात तो मैं, चौधरी साहब आप मेरे से सीनियर हैं, आप बड़े बड़े संघर्षों में आप जाते रहे हैं, मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मैं भी खेती करने वाले परिवार से आता हूं। पहली बात तो जो ये टोटल ना जो 8.5% बन जाता है ये जो मंडी टैक्स है आरपीए का लगा के या मार्केट फीस लगा के, तो ये बायर को लगता है सर, किसान को तो 1 रुपया नहीं देना पड़ता उसमें से, सिर्फ बायर। और पंजाब की धनखड़ साहब कह रहे थे पंजाब का जो जो फसल का है ना रवि और खरीफ का 3600 करोड़ के आसपास कलेक्शन होती है मंडीकरण बोर्ड को, और वो मंडीकरण बोर्ड वही है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज होता है, जो लिंक रोड्स मंडी बनाने के लिए पंजाब में हर 2 या 3 गांव के बाद हर 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस रेडियस में मंडी है, और किसानों को कोई औजार देने हो सब्सिडी पे, कोई बेमौसमी बरसात होगी फसल खराब होगी मुआवजा देना हो तो उसी उसी पैसे से दिया जाता है। अब केंद्र सरकार क्या कर रही है, टकराव की स्थिति, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रोक लिया, पहले आप हड़ताल बंद करो धरने बंद करो, क्यों जी पैसा क्यों रोक लिया, और जिस तरीके की बैरिकेडिंग की जा रही है, वैसे अगर पंजाब से हमने दिल्ली जाना हो तो हरियाणा का एक बॉर्डर है, लेकिन जैसे जोगिंदर यादव जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि कितने बॉर्डर पार करने पड़े, अगर खनौरी से निकल गए तो नरवाना, नरवाना से निकल गए तो चीन, चीन से निकल गए तो रोहतक, शंभू से निकल गए तो अंबाला, अंबाला से निकल गए तो शाहबाद, शाहबाद से निकल गए तो करनाल, करनाल से निकल गए तो पानीपत, सोनीपत, मतलब ये तो आर्मी करती है सर कि अगर कोई हम, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, हम ये पुल तोड़ देंगे उनको रोक लेंगे, तो ऐसे किया जा रहा है पंजाब के साथ हरियाणा के साथ जैसे कोई दुश्मन देश हो। अमेरिका पाबंदी लाता है ईरान पर आर्थिक पाबंदियां, यूएनओ लगाता है नॉर्थ कोरिया पर, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बीजेपी के केंद्र की सरकार हम अपने ही स्टेट पर पाबंदियां लगा रही है, हम आपका आरडीएफ रोक लेंगे, हम आपके ट्रेनें नहीं चलाएंगे, आप भूखे मरोगे, आपका कोयला बंद कर देंगे, तो मतलब हद है। धनकर साहब क्या 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 वो कोई कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी खरीद, बिल्कुल ठीक कहा भगवंत मान जी ने, बड़ी खरीद 60,000 करोड़ की पंजाब से होती है, 30,000 करोड़ की हमारे यहाँ से होती है, 3600 करोड़ इनके यहाँ जो है मंडी टैक्स जाता है, और हमारे यहाँ भी जो 1800 करोड़ आता है ये केंद्र सरकार ही देती है, और केंद्र सरकार ने कहा ये बंद नहीं हो रहा, ये तो अंदेशे अंदेशे की बात में चले जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अभी ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये भी जवान है, हम भी जवान है, ये मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा, बाद में देख लेंगे, केवल अंदेशे के आधार पर स्टेट को पूरी को आंदोलन रद्द कर देना, तो रेलवे बंद कर देना, और इस प्रकार की जत्थेदारी चला देना, केवल चुनाव किसान अपने है ना, या इनको कांग्रेसी कार्यकर्ता मान रहे हैं, बिल्कुल बात कीजिए ना, तीन दिन अभी कहाँ बुराड़ी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये किसान, क्यों 3 दिसंबर की बात हो रही है? कसम जी, नहीं नहीं, 2 बार पहले बुलाया गया, केवल एक ही बात है कि रद्द करो नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, हमने 3 सांसद भेजे, मैं खुद साथ लेकर आया, तोमर साहब के साथ बैठकर बात हुई, लेकिन जिन्होंने बात नहीं करनी वो बाहर से ही चले गए, बात ही नहीं करनी, केवल रद्द करना है, जो बात नहीं करना चाहते, ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है अंजना कश्यप जी, ये विकल्प दिया गया है, एक पुरानी व्यवस्था यूं ही चलेगी, एक नया विकल्प है, मंडी की रेल यूं ही चलेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग की एक बस दी गई है, उस बस को जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो एफपीए वाले है, उसके लिए है, आप उससे क्यों परेशान हो रहे हो, और उनकी सुविधा को क्यों बंद कराना चाहते हो, अगर कोई किसान अपना भाव अच्छा ले सकता है, मैं अगर सड़क पे खड़े होकर प्याज बेच रहा हूं तो मैं भाव बताऊंगा किस भाव बेच रहा हूं, और मैं मंडी में ले जाऊंगा तो मंडी वाला व्यापारी बताएगा कि 5 रुपए किलो लेगा, 4 रुपए किलो लेगा, मुझे एक आजादी मिल रही है, और जिसमें किसान को यह आजादी मिल रही है, मेरे यहाँ 1 लाख प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो इसके पक्ष में कहते हैं कि रहना चाहिए, पंजाब में भी है, आपकी मंडी यूं ही चलेगी, आप केवल अंदेशा खड़ा करके पंजाब को आंदोलन में झोंक रहे हैं, किसानों को आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं, ये गलत है, अंदेशे के आधार पर ऐसे आंदोलन, हम सब जवान लोग इस बहस में बैठे हैं, हम सब यही रहेंगे, एमएसपी नहीं रहेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कुछ ही छोड़ देंगे एमएसपी बंद हो गया तो, मानने को तैयार नहीं, वो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनको समझा दीजिए ना, आप समझा भी नहीं पा रहे हैं उनको, पता नहीं ऐसा, मैंने आप बहकाना बंद करिए तब समझाने की बात, बड़े हुए हम तो, आप बहकाना बंद करिए, कब तक बहकाएंगे उनको, बहकाना बहकाना नहीं सर, लगातार बहकाए जा रहे हैं,
बीजेपी रह गई भगवत मान साहब इतना ये वही लोग हैं जो कहते थे भाखड़ा डैम पड़ा जब इन्होंने कहा था बिजली पानी में से बिजली निकाल ली है, ये वो बहकाने वाले लोग हैं, उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं कि पानी में से बिजली निकाल ली, जब भाखड़ा डैम पड़ा जब ऐसी बातें चलाई जिन लोगों ने किसानों के बीच में जाकर बहकाने का काम मत करिए, सही बात बताइए। अंधेशा भगवान जी दो लाइन में जवाब दीजिए फिर मैं खेड़ा साहब के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं आप लोग उकसा रहे हैं किसानों को, बहका रहे हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, संविधान में बात देता है एग्रीकल्चर, इन्होंने इन तीनों बिलों में एग्रीकल्चर नहीं लिखा, ट्रेड लिखा और फार्मर लिखा है। बोलने दीजिए धनकर जी, बोलने दीजिए। इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का वादा करके शांता कुमार की रिपोर्ट लागू कर दी,